अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ओलिया वड़ाइच। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फैंसी पेंडेंट, जो कुर्तीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम फैंसी में। ये उसका मटेरियल है, पर्ल्स हैं, मोती हैं, बीड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए, सेम लूप हमने यही 3 लाइंस लेनी है कट मोती की। छोटी भी ले सकते हैं आप, बड़ी भी ले सकते हैं, जितना आपने बड़ी बनानी है या छोटी बनानी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें छोटी फॉर्म में भी होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेम हमने ये चीज़ बनानी है, इसी तरह इसको अंदर से बार बार घुमा लेना 2-3 बार, ताकि ये पक्का हो जाए और ये बिल्कुल भी टूट ना पाए वॉश में। या क्योंकि फैंसी ड्रेसेस पे इस तरह का होता है कि ये फैंसी ही अच्छे लगते हैं, जो बीड्स में हों, पर्ल्स में हों, या सीक्वेंसेस सम स्टार्स इस तरह के होते हैं जो अच्छे लग रहे होते हैं उसमें हों। तो कोशिश करें कि इसमें थ्रेड ना हम यूज़ करें। थ्रेड वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो आपको जो है वो देसी लुक भी देता है, और ये जो है ये अच्छे लगेंगे। कोई भी हम जैसे शादी वगैरह के इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये हम दामन पे भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम नेकलाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ वो नेकलाइन के लिए बना रही हूँ। ये एक रेडी हो गया, इसको कटिंग कर देनी है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड साइड पर होता है उसको भी अच्छी तरह कटिंग कर दें ताकि नीट बने, ठीक है। ये देखें, इस तरह के मुझे अपने नेकलाइन के लिए 5 चाहिए, तो ये मैंने अपने 5 रेडी कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि जो हमने इस पर अटैच करना है। एक दोबारा हमने ये लेना है कट मोती लेना है बड़ा, फिर उसके बाद एक हमने पर्ल लेना है। अब ये आप ध्यान से देखते जाएं, मेन प्रोसीजर वही है। ये हमने एक पर्ल ले लिया, उसके बाद दोबारा हमने एक कट लाइन ले ली, उसके बाद हमने एक बीड लेना है, वो कोई भी ले लें। मैंने डिफरेंट कलर में बनाए हैं, आपने जिस कलर में भी बनाना हो आप अपनी मर्ज़ी से सेम बना सकते हैं ये डिफरेंट। अब ये देखें, ये करने के बाद यहाँ पे जो हमने नोट बांधी थी ना, उसके नीचे जो धागा है वहाँ से हमने इसको निकाल के ये पक्का कर लिया, ठीक है। अब इसको सेम उसी तरह ही साइड से लेके जाके रेडी कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखें, इसको मैंने पक्का कर लिया। उसके बाद मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि मैं और किस कलर में बना रही हूँ। ये देखें, ये मैं एक ऑरेंज कलर में बना रही हूँ। सेम उसी तरह ही नोट के नीचे से आप थ्रेड निकालेंगे और उसके बाद इसको फिनिशिंग देंगे 2-3 बार इसके अंदर से गुजार के, और टाइट धागा रखना है। और आप कोशिश करें कि कोई भी कच्चा धागा ना ले लें। समटाइम हम ऐसे होता है, हम जो मार्केट से थ्रेड मंगवाते हैं ना, वो धागा जो होता है वो थोड़ा कच्चा होता है। तो अगर आप इसमें डोर यूज़ कर लेंगे या कोई भी जो वायर होती है बारीक वाली वो भी यूज़ कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ये थ्रेड अच्छे वाला था तो मैंने वही यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम एक और कलर यूज़ करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है जो हमने बस मिड में एक बीड या पर्ल लगाना है ना, उसमें हम बस चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं ऐसे कर रही हूँ कि सबसे पहले एक छोटा पर्ल लिया, फिर उसके बाद एक बड़ा पर्ल लिया, फिर दोबारा एक छोटा पर्ल ले लिया, ठीक है। अब इसको भी सेम अटैच करने का मेथड वही है, बस यही कोशिश कर रही है कि वो जो नीचे पर्ल हमने बड़ा लगाया हुआ है ना, उससे इसका साइज़ बड़ा ना हो जाए, ताकि ये ना दोनों बराबर के हो जाए। वो जो वी शेप थोड़ी सी जा रही है ना, वो हमारी ख़राब ना हो जाए, उसी के साथ ही ये चीज़ अच्छी लगनी है। अगर दोनों बराबर हो गए तो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। ये देखें, सेम उसी तरह ही इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर लें। अब मैं जो 3-4 वीडियोज़ है ना, वो इन्हीं चीज़ों की लेके आ रही हूँ, जो आप नेकलाइन पे अटैच कर सकते हैं, दामन पे अटैच कर सकते हैं, और हैंडमेड है और बहुत ब्यूटीफुल नाइस लगते हैं। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अब ये मैं मार्केट से पता करने गई थी तो इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 150 का तो एक दे रहे हैं, और अगर हमने कोई 4-5 अपने गले पे लगाने हो तो हमारा आराम से तो पैसे इधर ही ज़ाया हो जाते हैं। ये देखें, अब वो भी ऊपर रेडी हो गए हैं ट्रायंगल में, और नीचे ये भी रेडी हो गया। मैं इनको अटैच करने का आपको मैथड बताती हूँ। ये देखें, ये जो ऊपर पर्ल है आपने इसमें से लेके जाना है, इसको डबल करना है, ऊपर इसके धागा आ जाएगा, फिर आपने उसमें से सुई अपनी निकालनी है, उसको थोड़ा सा पक्का कर लेना है। ये देखें, आपको समझ आ रही होगी। ये देखें, ये मुझे काम करने बिल्कुल नहीं देती, इसको मैं बार बार बंद करती हूँ, लेकिन ये सिजल जो है ना, ये मेरा बेटा, ये बार बार आ जाता है। ये देखें, इसको ये कर लिया, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना, आपने इसके ऐसे अटैच करना है इसके, और फिर वो जो आपने मिड से धागा लिया हुआ था ना, और इसका मिड लेके इसको यहाँ पर आपने पक्का कर देना है, अच्छे तरीके से करना है, 2-3 फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इसकी नोट कर देनी है ताकि ये खुले ना और अच्छे तरीके से बंद रहे। ये देखें, और ये नज़र नहीं आएगा। आप सेम थ्रेड लेंगे, मैंने गोल्डन थ्रेड है और गोल्डन ही साथ में मेरे बीड्स हैं, तो इस वजह से उसको इतना इशू नहीं हो रहा, मतलब कलर बिल्कुल सही रह जाता है। अगर डिफरेंट कलर लेती तो बुरा लगता, ठीक है। ये देखें, आप ये रेडी हो गया, ये देखें ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए ना, कोई और काम करता रहे ना, तो इसको अपना आके प्यार लेना होता है कि भाई मैं भी हूँ, मुझे भी देख लो,
और ऐसे काम में तो ये बहुत ज़्यादा, ये धागे के साथ और ये बीड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा खेलती है। चलें, आपको डिस्टर्ब कर दिया है इसने, आगे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये अब सारे रेडी हो गए हैं, ये मैं साथ साथ अटैच करके आपको दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं फिर आपको ड्रेस पे बताती हूँ कि किस तरह लगेंगे। इसको इसके साथ दोबारा हमने अटैच कर देना है। सेम वही प्रोसीजर है जितने आपने बनाने हैं। आप साइड, जैसे हमारे ड्रेसेस की साइड लाइन होती है उस पर भी ये अच्छे लगते हैं। ये दो ब्लैक बना लिए, ऑरेंज बना लिए, रेड बना लिए। ये देखें, आपको भी अंदाज़ा होगा, आप मार्केट लेने जाते हैं तो आपको ये किस अमाउंट में मिलते हैं और किस तरह मिलते हैं। ये देखें, ये ड्रेस की बिल्कुल ही लुक ही चेंज कर देता है। ये देखें, ये वही सेम शर्ट है जो मैंने पहले आपको दूसरे सीक्वेंसेस उस पर रख के दिखाए थे और अब ये रख के दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं या कोई भी और आपके पास पिक्चर आप चाहते हैं वो मैं बना के दिखाऊं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार देते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।